इस सेक्शन के अंदर ये जो आपका रूफ है, रूफ में यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये मिट्टी के पॉट यूज किए हैं, और इन मिट्टी के पॉट को इस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये जो आयरन का फ्रेम है, उस आयरन के फ्रेम के साथ में इसको बाउंड किया हुआ है ये इस तरीके से। तो एक कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट के साथ में पैरेलल यहाँ पर ये बैम्बू वॉल यूज किए हैं। तो ये अभी बैम्बू पिक्स है यहाँ पर, और इसकी बैकग्राउंड में प्लाई है। प्लाई के साथ में कुछ दूसरा फ्रेम मिरर वगैरह का यूज हो सकता है। बेस में आप ये बेस दे पा रहे हैं, और ये फिक्स है यहाँ, ये इसका बेस है, और उस बेस में ये बैम्बू यहाँ पे खड़े हुए हैं डिफरेंट। और साथ में ये आपका टॉप राइट, इस साइड में ये फर्नीचर वर्क, ये आप डॉट डॉट के लगा रहे हैं, ये क्या लगा रहे हो? इसकी मिलाई कर रहा है। अच्छा जी, जहाँ कहाँ से कैसे पता लगा मिलाई हो रही कहीं की नहीं? जैसे मिलाई हो रही है, ये जहाँ कहीं रिपेयर होती है ना, हाँ ये उसकी मिलाई करते हैं, जैसे ये है ना ये मिलाई हुई है। अच्छा ये अच्छा, कोई ऐसा धब्बा ना रह जाए। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो आपने लगा ये ये पहले से ही था? ये किलो से रिपेयर वो हुई भी ना, किलो अंदर करी भी है। अच्छा जी, तो कील के ऊपर आपने ये लगाया जो आप ये देख रहे हैं, कील हुई भी ना इसमें लगी हुई। हाँ, तो ये किला अंदर अच्छा, करी है। तो कील के ऊपर आपने फिर पेंट किया दोबारा? हाँ, पॉलिश किया। अच्छा, तो इससे अब ये सारा एक जैसे ही दिखेगा? एक जैसे ही हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ये आपके हाथ में ब्रश है? हाँ जी। और इधर ये पॉलिश जो नॉर्मल पॉलिश यूज करते हैं? हाँ, पॉलिश है, स्प्रिट पॉलिश। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आइडिया था आपका रूफ का, और उसके साथ में जो फ्रेमिंग मैं बोल रहा हूँ, और इसके साथ में अभी यहाँ लाइट और दूसरे आइटम की पॉसिबिलिटी है जो इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है। एक लुक आप इस साइड से देख सकते हैं।